अच्छा, जो लास्ट हमारे पास आज टॉपिक है, लास्ट कजलिंग एल्गोरिथम जो है वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हर हर प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जा रहा होता है सीपीयू के। फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमें जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हमें क्वांटम टाइम गिवन दिया जाता है। वो जो टाइम होता है उसको हम क्वांटम टाइम कह रहे होते हैं। वो क्वांटम टाइम हमें स्टार्ट में बता दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे एक उसने क्वांटम टाइम का मैंशन किया हुआ है। क्वांटम टाइम आपके पास 2 सेकंड है, 3 सेकंड, जितने सेकंड भी है हमारे पास कोई भी प्रोसेस है वो मैक्सिमम उतना चलेगा। मिनिमम उससे अगर कम है तो उससे कम चल सकता है, लेकिन अगर वो प्रोसेस ज़्यादा टाइम का है तो वो मैक्सिमम उतना ही चलेगा जितना क्वांटम टाइम गिवन है। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में एक प्रोसेस P1 है 24 सेकंड का, एक प्रोसेस P2 है 3 सेकंड का, फिर प्रोसेस 3 है 3 सेकंड का। कहता है कि ज्यूम करें कि हमारे पास जो क्वांटम टाइम है 4 सेकंड है। यहाँ पर उसने क्वांटम टाइम की अजम्पशन किया है कि क्वांटम टाइम जो हमारे पास है वो 4 सेकंड है। अब इसमें अराइवल टाइम नहीं गिवन, तो अराइवल टाइम तीनों का हमारे पास 0 सेकंड है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले 4 सेकंड चलाया P1 को, P1 को 4 सेकंड चला दिया। अब P2 और P3 हैं ही 3 सेकंड के, क्वांटम टाइम 4 सेकंड है, लेकिन हमारे पास जो प्रोसेस है वो है ही 3 3 सेकंड के, तो वो 3 सेकंड चलेगा। P2 3 सेकंड चला, ये प्रोसेस हो गया फिनिश। 4 प्लस 3 7, P2 हो गया फिनिश। फिर P3 पे आ गया, ये भी 3 सेकंड का था, ये 3 सेकंड चला और उसके बाद ये भी फिनिश हो गया। जो 1 1 सेकंड इनका बच रहा है ये किसी और प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। क्वांटम टाइम 4 है तो एक प्रोसेस को मैक्सिमम 4 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद प्रोसेस की स्विचिंग लाजमी होगी। फिर इससे यहाँ पे इसके बाकी 20 सेकंड रह गए थे, तो ये भी 4 सेकंड फिर चला। हालांकि इसके अलावा और कोई प्रोसेस है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये 4 4 सेकंड चल रहा है। 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 26, हर बार 4 सेकंड चल रहा है। उतना आपके पास क्वांटम टाइम गिवन होगा, हमारे पास प्रोसेस मैक्सिमम उतना ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद फिर प्रोसेस को स्विच करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, अगर अवेलेबल है। नहीं है तो फिर उसी प्रोसेस की नेक्स्ट टाइम स्लाइस चलना शुरू हो जाएगी। ये एक राउंड शेप में चल रहा होता है। जिस तरह हमारे पास ये प्रोसेस हैं 3, P1, P2, P3। तो इसमें पहले P1 चला, फिर P2 चला, फिर P3 चला, फिर P1 की बारी, फिर P2 की बारी, फिर P3 की बारी। जो फिनिश होता जाएगा वो सर्कल से निकलता जाएगा। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है, सिंपल सा। एग्जांपल देखते हैं, सो करते हैं सर, आपको अगर थोड़ा। जी 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 प्रोसेस टू है, जो अगर यहाँ पे 5 होता हाँ जी, रेस्ट टाइम, तो फिर चार उसका जो सेकंड 1 सेकंड रहे, हाँ जी 4 सेकंड इसका चलना था P1 ने, फिर 4 सेकंड चलना था P2 ने, P2 का रह जाना था 1 सेकंड। तो अगले साइकिल में जाकर उसने कंप्लीट होना था, 1 सेकंड उसने सिर्फ चलना था। मैं आपको एग्जांपल लेकर ना फिर उसको आपको समझाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल को हम अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 6 प्रोसेस हैं, और क्योंकि हमें इस क्वांटम टाइम में प्रायोरिटी की जरूरत नहीं, तो हम इस कॉलम को ऐड ही नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन उसने दिया, कहता है कि इसको आप अज्यूम करें, उसके मुताबिक आप ये चारों सॉल्व करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी। तो हमें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राउंड रॉबिन को हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम इसमें प्रायोरिटी को अज्यूम ही नहीं करेंगे। और कहता है कि आप अज्यूम करो कि सबका अराइवल टाइम 0 सेकेंड है। हम इसको बना लेते हैं पहले, और फिर इसके मुताबिक हम इसका गैंट चार्ट ड्रा करेंगे।
अच्छा, इसमें आपको कहता है कि आपके पास प्रोसेस है, अराइवल टाइम सबका जीरो है, सिर्फ ब्रश टाइम यहाँ पे देखना है। प्रोसेस आपके पास है P1, P2, P3, P4, P5 और P6। ब्रश टाइम है 15, 3, 7, 5, 1 और 2। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको? जी सर, अच्छा, इसके मुताबिक अब हम गैंट चार्ट ड्रा कर लेते हैं। मैं तो सामने गैंट चार्ट इसका ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमें अच्छा, उसने कहा है कि अराइवल टाइम आपके पास है 0 सेकंड और क्वांटम टाइम आपके पास है 2। यहाँ पे ये मेंशन है बुक के ऊपर, क्वांटम टाइम 2 है। तो हमने पहले P1 को चलाया 2 सेकंड के लिए, P1 चला 0 से 2 सेकंड, P2 चला 2 सेकंड, P3 चला 2 सेकंड, P4 चला 2 सेकंड, P5 है ही 1 सेकंड का, ठीक है, तो ये चलेगी 1 सेकंड। सॉरी, इस तरह ना था, फोर के बाद आना था 6, 6 के बाद आना था 8, फिर P5 है ही 1 सेकंड का, तो वो चलेगा 1 सेकंड। ये फिनिश हो गया। P6 है 2 सेकंड का, तो वो 2 सेकंड चल के वो भी फिनिश हो जाएगा। P6 ये आपके पास हो गया 11, ये दोनों आपके पास फिनिश हो गए। इसके बाकी रह गए 13 सेकंड, इसके रह गया 1 सेकंड, इसके रह गए 5 सेकंड, इसके रह गए 3 सेकंड। अब दोबारा P1 की बारी आ जाएगी। P1, इसके बाकी रह गए 11 सेकंड। उसके बाद P2 अब रहा 1 सेकंड का गया, तो इसको चला देते हैं 14, P2, फिर P3 है, ये 3 सेकंड का रह जाएगा। समझ आ रही है बात की? जी सर, P4 3 सेकंड का, तो इसके बाकी रह जाएंगे 2 सेकंड, 1 सेकंड सॉरी, P4। दोबारा टॉप पे जाएंगे, P1 की बारी। P1 के रह गए 9 सेकंड, P2 बचा ही 1 सेकंड का, तो P2 21, ये भी 1 सेकंड का रह गया। 21 के बाद 23 और P4 1 सेकंड का, 24, ये फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया। P1 रह गया 24 के बाद आपके पास, P6
ये 7 सेकंड का रहेगा, ये पहले फिनिश होगा, ये बाकी एक रहेगा P3, 1 सेकंड चलाना है उसको। 27, 29, 7 में से 5 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर आपके पास 1 रह गया, और यहाँ पे फिनिश। 29, 31, 33 और 34। पंद्रह तीन 18 और 7 25 और 5 30 और 2 32 और 1 33। ये 34 पे क्यों खत्म हुआ? कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है? देख लेते हैं इसको। P1 था 15 सेकंड का, 2 सेकंड इधर चला, 2 सेकंड इधर, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12, 14 और ये 15। ये तो ठीक रहा। P2 था 3 सेकंड का, 2 सेकंड इधर चला, 1 सेकंड सर ये इधर। जी यहाँ पे P1 20 सेकंड्स के बाद जब खत्म हो गया तो P3 नहीं आएगा क्योंकि P2 तो खत्म नहीं हो गया। P1 20 सेकंड के बाद P2 चला 21 पे, और आगे P3 लगाया हुआ है ना। P2 नहीं, P2 तो खत्म हो गया था पीछे क्योंकि P2 2 सेकंड इधर चला था ना। थ्री हाँ जी, 1 सेकंड, और एक हाँ सेकंड इधर। जी बिल्कुल, यहाँ जी पे यहीं से चलना, इससे आगे ये हमारी मिस्टेक है। इधर आना था, ये वाला 1 सेकंड इधर से निकल गया। 20 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 25, 26, 28, 30, 32 और 33। ठीक है, जी सर, इसका आगे बन जाएगा वो, इसका फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम, और वेटिंग। जी सर, इसको को आगे आप एक और इसके अंदर आगे ड्रॉ कर लें, उसमें आपने फिनिश टाइम लिख देना है। ये सब का लिखा हुआ है। P1 फिनिश हो रहा है 33 पे, P2 फिनिश हो रहा है 14 पे, P3 फिनिश हो रहा है 26 पे, P4 फिनिश हो रहा है 23 पे, और P5 फिनिश हो रहा है 9 पे, और P6 फिनिश हो रहा है 11 पे। यानी कि फिनिश टाइम आ जाएंगे इनमें से, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम 0 सबका है, माइनस ब्रश टाइम आपके पास निकल आएगा वेटिंग टाइम। हम यहीं से डायरेक्ट अजम्पशन करके वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा, P1 फिनिश हो रहा है 33 पे, 33 माइनस 15 आपके पास बन गया 18। P2 फिनिश हो रहा है जी 14 पे, 14 माइनस 3 11। P3 फिनिश हो रहा है 26 पे, 26 माइनस 7 19।
P4 फिनिश हो रहा है 23 पे, 23 माइनस 5 18, P5 फिनिश हो रहा है 9 पे, 9 माइनस 1 8, और P6 फिनिश हो रहा है 11 पे, 11 माइनस 2 9, 33. ये दोनों का हो गया 30 30 30, 60 68 68 और 83 76, 76 और 9 कितने हो गए? 83 83 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास थर्टीन पॉइंट एट निकला है वेटिंग टाइम. और इसी तरह आप टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिएगा. ठीक है जी, जी सर कोई क्वेश्चन इसमें याद पूछ लें. हेलो।